जब हम ऑफ रोडिंग पे गए थे ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कितना बड़ा सा निशान है, ऐसा लग रहा है एक ट्रक टाइप का, नहीं लग रहा है जिसमें बम्पर वम्पर नहीं होता। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग, अरे भैया थोड़ा साइड होके चल लो। किसका फोन बज रहा है? अकेली मेरी गाड़ी खड़ी है, इसका जो सामने आपको बम्पर दिख रहा है उसका हमने कुछ प्लान किया था, देखते हैं शायद आज वो प्लान एग्जीक्यूट कर लें, बट अभी तो अपने को जाना है बैंक, तो सबसे पहले रेडी होते हैं और फट से यहाँ से निकलते हैं बैंक, बहुत अर्जेंट काम है अपने को। मैंने बताया था ना कभी कभी ऐसा दिन रहता है ना जिस दिन आपको ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो आज वो शायद वैसा दिन है। मतलब अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, अभी जाके सब चीज़ करूँ, वैसे पता नहीं चल रहा है कि मैं नहाया नहीं, वैसे ही विंटर में आदमी कमी ना आता है। अरे यार फोन आना के ना साला जिंदगी एकदम नर्क कर दिया ना मेरा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। महिंद्रा थार तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो एक साल पहले बेच दी, काट दिया, काट दिया भाई, सुना कि थार नहीं है, साला कोई ग्रीड भी नहीं किया ना कि सर आपको सुन के दुख हुआ, सुन के बुरा लगा, कुछ नहीं, इंश्योरेंस नहीं कराया तो काट दिया। भाई एक तो यहाँ पे ना पार्किंग की बड़ी समस्या और ऊपर ना गाड़ियां उठा रहे हैं, अब समझ में नहीं आता है भाई इसमें आदमी पार्किंग कहाँ लगाएगा यार, इसमें तो आएगी भी नहीं गाड़ी। हेरो बेटा किस्मत कितनी जबर है, यहाँ तक आए और पार्किंग खाली, एक बार और आना पड़ेगा यहाँ पे बिफोर आई लीव फॉर माई ट्रिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फटाफट घर चलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं, और क्योंकि अपने को निकलना है थार को लेके। अब क्या करा रहे थार में वो तो शायद थंबनेल देख के आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो तो देखोगे ना, स्किप करके नहीं जाओगे ना। 3:30 बजे तक करोलबाग पहुंच के आज इस थार का फाइनल नेल इन द कॉफिन, और सुबह से मैंने अभी भी कुछ खाया नहीं है क्योंकि अब मेरे को पता है कि अगर मैं जितना लेट करूंगा ना उतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, प्लस इसका भी जो काम है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ ना कि मेरे ट्रिप पे जाने से पहले जितना भी मेरा पेंडिंग काम है ना जो मैंने सोचा था वो सारी चीजें कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद भैया बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ इतना हेक्टिक हो जाएगा ना वो आपको पता चलेगा, ग्रेजुअली एक जगह से आए दूसरी जगह निकल गए, दूसरी जगह से आए तीसरी जगह निकल गए, तो ये वाला कंडीशन है। तो मैंने कहा भैया आज टाइम है, कल से ऑटो एक्सपो स्टार्ट है ना, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब कल हम ऑटो एक्सपो में रहेंगे। ये सामने वाली गाड़ी का नंबर देखो 0003, हाँ अब तो ग्रुप में एक और 0003 आ गई है ना, एल्विश भाई की भी गाड़ी आ गई है वो भी 0003, फॉर्चुनर भी 0003, इसका भी नंबर चेंज करके 0003 कर लेते हैं। देख रहे हो टोल पे भाई बीच रास्ते में लगा के रोक लेते हैं, ये देखो कोई भी कमर्शियल गाड़ी ना बीच रास्ते में लगा के भाई एकदम खड़े होते गाड़ी के आगे, मतलब करोलबाग तक पहुंच गए कहीं ट्रैफिक ही नहीं मिला भाई, चुटकी बजाते पहुंच गए 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे लगे गुड़गांव से करोलबाग, और करोलबाग से कवल भैया के शॉप तक हमें लगे 365 साल। नहीं अगर करोलबाग और चांदनी चौक में गाड़ी चला ली तो इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। यहाँ पे लग गई है दो थार, एक तो ये तो आप पहचानते ही हो, और ये भी आप पहचानते ही हो, और इसको भी आप पहचानते ही हो, और भैया को भी आप पहचानते ही हो, तो हाँ इसको भी पहचानते हो, भाई हमारा सब्सक्राइबर है, भाई एमपी से आओ ना, यूपी से, अच्छा यूपी से आयो, बताओ मैं ही नहीं पहचानता था। कवल भैया ने कह दिया भैया रात को होगा, रात होगा तो फिर कल कैसे जाएंगे हम लोग, कल तो रात को धोके फिर उठ के चले जाएंगे, मेरे को तो एडिटिंग भी करना होता है, टेस्ट करके देखना ये वर्ल्ड के बेस्ट छोले कुलचे हैं। एक बार खाया है भाई, बड़े स्पाइसी और बड़े, और इसके स्पेशल दिए आलू, हाँ आलू करारे आलू भाई। फाइनली इस रास्ते पे ना देखो अभी उधर ट्रैफिक है, थोड़ी देर में इधर तक आ जाएगा, बाकी हमारी दोनों गाड़ियाँ इधर खड़ी है, मेरी गाड़ी में तो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि पप्पू भैया हनी की गाड़ी में ऑडियो सिस्टम वाला काम कर रहे हैं, भाई ने भी अपना ऑडियो सिस्टम अपग्रेड कर दिया। थार ऐसी गाड़ी है ना भाई जितना पैसा खर्च कर लो ना मना नहीं करती, कहती आने दे आने दे आने दे। अब ये बेसिकली आज हम ना इसका ना बम्पर, अब हमारा दोनों ना जो बम्पर है ना हमने यहीं से लगवाया था, और ये बम्पर एकदम आइडेंटिकल है, अभी ये बम्पर ना कुछ भाई इस बम्पर को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी ना एक बम्पर इसका ना एक थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है, तो अभी अपन वो इसमें इंस्टॉल करेंगे, अब उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तो जब इंस्टॉल होगा तब आपको पता चलेगा। भाई ये है अपना बम्पर,
हाँ अब ये आगे से नहीं दिखाएंगे, ये पीछे से भाई, ये भी एकदम खतरनाक सा है। भाई लुक एकदम अलग हो जाएगा इसको। और एग्जैक्टली जैसे ना अपने गाड़ी में है ना, वैसे यहाँ पे एम्प फिक्स हो गया, यहाँ पे इंक्लोजर फिक्स हो गया। ये पहली बार ऐसा सोनी का इंक्लोजर यहाँ पे लगाया। पप्पू भाई के पास सारा जुगाड़ है, सब जुगाड़ हो जाता है, सारा जुगाड़ हो जाता है। अब ये इससे क्या होता है ना कि यार इससे ना थार में वैसे ही स्पेस कम है, तो अपना पूरा सामान रखने के लिए ना इसने, भाई ने भी पीछे वाले सीट खुलवा दिया, तो पूरा सामान रखो, कोई टेंशन ही नहीं। ये पीछे है अपना, ये भी सेफ, ये भी सेफ और सामान भी सेफ। मतलब बेसिकली वो भी लोहे का ही बम्पर है, एग्जैक्टली ऐसा ही लगेगा, बट उसका जो फ्रंट का जो डिज़ाइन है ना वो एकदम अलग है। अभी इस गाड़ी की लाइट ना बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, बट उसके लगने के बाद भाई लाइट हो जाएगी एकदम ओवर ओवर, मतलब वो सारी लाइट सब एनीवे, मतलब उसके उसके इसके आगे और कोई गाड़ी नहीं, ठीक ही हो जाएगी, सब ठीक ही हो जाएगी भाई। अरे जितना इस पर खर्च कर लो कभी मना नहीं करती, बट इसके लिए ना पूरा देखो नीचे से ना पूरा एलंकी से पप्पू भैया खोल रहे हैं और ये पूरा सारा सिस्टम खुलेगा, जो अपना पूरा ये अंडर बॉडी है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम खुलेगा और उसके बाद जाके वहाँ पे अपना बम्पर निकलेगा और फिर ये वापस से फिट होगा। ये हमारी प्लेट थी। अब ये देखो जब हम ऑफ रोडिंग पे गए थे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कितना बड़ा सा निशान है, तो पूरा रेडिएटर ना इस प्लेट के वजह से बचा, इतना भारी है ना एक हाथ से उठेगा भी नहीं। मतलब ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ी में, तो पूरा का पूरा नीचे ना सेफ्टी पूरा का पूरा प्लेट लगा हुआ है, तो इससे थोड़ा एडिशनल वेट हो जाता है। बट भाई गाड़ी में अगर आपका कहीं भी ऑफ रोडिंग वगैरह जा रहे हो, कैसे भी ऐसे ट्रेन पे जा रहे हो ना, नीचे से पत्थर वत्थर लगे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है गाड़ी को। अब उठा के कहीं से टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। यहाँ पे आता हो ना इतनी सारी चीजें रहती है ना, इतनी सारी चीजें, मतलब हर बार आओ तो कुछ ना कुछ नया दिखता है, ऐसा मन करता है ना ये भी करवा लूँ वो भी करवा लूँ, बस ऐसे देखते रहते हैं, देखते अच्छा रहते हैं। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला क्या है, वो वाला क्या है, छोटे छोटे बच्चे पूछते रहते हैं भैया, ये वाला टॉफी दिखा दो, वो वाला टॉफी दिखा दो, एक बार ये लगा के देख ले क्या। हाँ और लग गया तो आया, अच्छा लग रहा है, लगे रहने दो। सोच रहा हूँ गाड़ी को बिना बम्पर के रखे, ऐसे टायर देखो कितने हैवी लग रहे हैं फ्रंट वाले, ऐसा लग रहा है ट्रक टाइप के नहीं लग रहे हैं जिसमें बम्पर वम्पर नहीं होता। अभी जो अपना पूरा सामान है ना जो पुराने वाले बम्पर में लगा था, ये सारा जो इसके अंदर है वो सारा शिफ्ट होके अब इसके अंदर आएगा। बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पहले वाले बम्पर पे इंडिकेटर था, तो इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर अपना मेन जो DRL और इंडिकेटर है वो ऊपर है, और एक अपने हेडलाइट में है जो इंडिकेटर है, मतलब वो येलो और ये येलो जलता है। यहाँ पे हो गया जी अपना प्रॉपर प्रॉपर लाइट, और ये जो बम्पर है ना सिर्फ आपको ना भैया के पास ही मिलेगा। हाँ तो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम गूगल पे डालोगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, तो पहले बात करके आना क्योंकि इस बम्पर का ना बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत डिमांड है और स्टॉक बहुत कम है, तो वायरल बम्पर है ये, वायरल बम्पर और व्हाट्सएप कर गया। अब अलग लेवल वायरल हो गया। ये अपना हो रहा है कनेक्शन, तो अब इधर दो प्रोजेक्टर उधर दो प्रोजेक्टर, अब इसके ऊपर कवर लगना बाकी है और ऑक्सिलरी लाइट्स लगना बाकी है। भाई साहब मतलब सीरियसली जहर लग रही है आगे से ना, आपको अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा दूर से करेंगे ना, अभी यहाँ पे पीछे ये है तो यहाँ से ही हमें वीडियो लेना पड़ रहा है, बाकी आप सामने से देख के बताओ भाई क्या खतरनाक टाइप से लग रही है। पूरी फिटिंग हो गई गाड़ी की और गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर्स, यहाँ पे ऑक्सिलरी, बाकी हेडलाइट तो यूज़ करने लायक, मतलब हेडलाइट में उतना पावरफुल नहीं है, बट अपना ना प्रोजेक्टर से ही अब पूरा काम हो जाएगा, बाकी तो अभी अंधेरे में चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। इसमें हाई लो दोनों जलाया हुआ है और ये अभी लो पे है, अगर इसको हाई करेंगे तो फिर एक बार डिपर मारेगा हनी, एक बार इसका डिपर मार के आपको दिखाते हैं।
ये देखो, ये अपना हाई और लो बीम दोनों है। अब हम जा रहे पप्पू भैया के साथ लाइट की अलाइनमेंट की टेस्टिंग देखने। हाँ पप्पू भैया, मजेदार ना? यही पता लग जाएगा ना, जैसे उस दिन अंधेरे में गए थे वैसे ही चलेंगे ना। एक बार थोड़ा अंधेरा रहेगा ना, मस्त है। हाँ ये लो बीम का अप्लाई। पप्पू भैया एक बार हाई बीम कर दो, एक बार रोकना गाड़ी, रोक दो, एक बार हाई बीम करो। परफेक्ट पप्पू भैया, परफेक्ट, किलर किलर भाई, किलर है ये, किलर है, जबरदस्त पप्पू भैया, मजा आ गया। एक लाइन में ना ये और ये दोनों एक लाइन में। पप्पू भैया आप उस्ताद हो, कराची से अंदरूनी मुल्क लोग। अरे भैया थोड़ा साइड होके चल लो। अपनों में ईद मनाने, अपनों में ईद मनाने। अरे भैया माता जी थोड़ा दीप मारते हुए, ये देखो मेरे गाल पे ऑप्टिक लगाया था। अरे वीडियो के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में भाई कितने लोग हैं ना यहाँ पे भाई। ये वो चल रहा है कराची में अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने। अरे माता जी थोड़ा साइड आके चल रहा है भाई, साइड ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा भैया, हमारा सीन रह जाएगा। कल भैया, ओके कल मिलते हैं ना ऑटो एक्सपो साथ में। हाँ बहुत सारा प्लान है, वो वहाँ पे हाँ गेड़ी मारते हैं। ओके अंकल नमस्ते। भाई ये अपनी गाड़ी, और एग्जैक्टली पहले जैसे अभी हनी में जो बम्पर लगा है ना, तो वो वाला बम्पर लगा था। अब अभी तो थोड़ा रात है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, सुबह के टाइम पे ही आपको एग्जैक्ट, क्योंकि काली गाड़ी में काला बम्पर ना थोड़ा पता नहीं चलता। अभी दोनों गाड़ियाँ एक साथ लगा रहे हैं ताकि आपको ना एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा पाए। अब ये देखो, अरे यार पीछे से इतना डिस्टर्बेंस है, आदमी क्या दिखाएगा क्या बताएगा। बाकी आप ओवरऑल लुक देख सकते हो कि गाड़ी का ओवरऑल लुक कैसा है, ओवरऑल लुक यहाँ से आप देख सकते हो कि ओवरऑल लुक कैसा है। बाकी पहले अपना वो वाला बम्पर था और अभी बम्पर चेंज होके ये हो गया, तो इसमें अपने को ये वाला फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल गया। इसमें दो दो ऑक्सिलरी मतलब दो दो प्रोजेक्टर चला सकते हैं। बाकी चलो भाई यहाँ से चलते हैं। अभी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि एक रील बनाए, बट इतनी भीड़ भाई, जनता रुकने को तैयार ही नहीं। भाई जनता भी क्यों रुकेगी मेरे रील के लिए, जनता थोड़ी ना अपना काम धाम रोक लेगी। चलो भैया अब यहाँ से निकलते, काफी टाइम हो गया, लेकिन भाई जो काम हुआ ना एक नंबर यार। यही रीजन है ना कि मैं हर छोटी चीज के लिए ना कवल भैया को परेशान करता हूँ कि कवल भैया ये करना है, कवल भैया वो करना है, और कवल भैया ना वो सारी चीजें अरेंज करके देती है। बाकी ये बम्पर मैंने बता ही दिया भैया आपको, ये बम्पर और कहीं नहीं मिलेगा, तो कवल भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो कवल भैया को डायरेक्ट फोन कर लो और मैसेज कर लो यार। बहुत बार फोन ना कस्टमर रहते तो फोन नहीं उठा पाते, तो मैसेज कर लिया करो व्हाट्सएप। कार जो है ना हमारी एक्सपेरिमेंटल कार है, इसके साथ ना जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये लगा के हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, ये लगा के देखते नहीं नहीं मजा नहीं आया, चल ये लगा के देखते हैं, तो मेरे को मजा आता है। मतलब इसके साथ ना इसको पैम्पर करना, इसमें अलग अलग चीजें करना ना मेरे को बड़ा शौक है। मेरे को मतलब हर दिन ना कि यार थोड़ा सा आज कुछ ये चेंज करके देखते हैं, वो चेंज करके देखते हैं, और ये शौक ना पता नहीं खत्म ही नहीं होता यार। मैं कितनी बार भी कर दूं ना, ये शौक कभी खत्म नहीं होता। बाकी यहां मैं एक बार आपको लाइट दिखाता हूं, ये देखो ये सिर्फ हेडलाइट का फ्लैश है, ये सिर्फ हेडलाइट का फ्लैश है। और अब मैं ऑन किया प्रोजेक्टर, अरे यार पीछे से गाड़ी आ गया, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ भैया गाड़ी को पास दे देने दो। अभी ये प्रोजेक्टर का लो बीम है, अब ये मैंने ऑन किया जी हेडलाइट और प्रोजेक्टर का हाई बीम, तो ये देखो ये है पूरी तरीके से रोशनी। अभी मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स ऑन नहीं किए हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब ये हाई बीम मोर देन सफिशियंट। हाई बीम तो वैसे भी बहुत कम यूज करते हैं, ये लो बीम भी मोर देन सफिशियंट है भाई, जबरदस्त भाई, जो था ना उससे दो लेवल और ऊपर, एक लेवल नहीं दो लेवल और ऊपर। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल, प्लस कमेंट करके जरूर बताना कि थार का जो बम्पर और ओवरऑल जो मैंने प्लान किया था वो कैसा लगा। मतलब आई नो कि अच्छा ही है, मतलब मैंने प्लान किया तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बाकी यार कल आपको ऑटो एक्सपो में मिलते हैं।